अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू GDL मेंटोर। मैं हूं आपका टीचर विली दक्रम। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक लैसो टूल। आज हम देखेंगे कि मैग्नेटिक लैसो टूल किस तरह वर्क करता है और इसके क्या क्या फंक्शन है। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब हमारे पास मैग्नेटिक लैसो टूल, हमारा लास्ट ऑप्शन है लैसो टूल का, तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं कि ये किस तरह वर्क करता है। इसके लिए मैं कोई इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। हम मैग्नेटिक लैसो टूल को तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई ऐसी कम्प्लेक्स इमेज होती है जिसके कॉर्नर पॉइंट्स, उसके एजेस बहुत ज़्यादा हों, तो हम मैग्नेटिक लैसो टूल को इस्तेमाल करते हैं। तो कंट्रोल प्लस करके मैं इमेज को जूम कर लेता हूँ। मेरे पास ये ग्रेप्स की एक इमेज है, मैं इसके एक पॉइंट के ऊपर क्लिक करता हूँ। हमने देखा था कि लैसो टूल जो है वो फ्रीली मूव करता है, पॉलीगोनल लैसो टूल जो है वो पॉइंट टू पॉइंट, और आज हम देखेंगे कि मैग्नेटिक लैसो टूल किस तरह काम करता है। इसके एक कॉर्नर एज के ऊपर मैंने मैग्नेटिक लैसो टूल को इस्तेमाल करना है। मैं कॉर्नर एज के ऊपर क्लिक करूंगा और इस इमेज के साथ साथ इसको मूव करता जाऊंगा। आप देख सकते हैं मैं फ्रीली इसको मूव कर रहा हूँ, वो खुद ही पॉइंट सेलेक्ट करता जा रहा है। ये इसके पॉइंट्स आते जा रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली सिलेक्शन करता जा रहा है पॉइंट टू पॉइंट। लेकिन कॉर्नर एज पे सम टाइम हमारा नहीं अटैच होता, उसको कॉर्नर पॉइंट के ऊपर सिलेक्ट नहीं करता, तो हमने वहां पर डेफिनेटली हमने खुद ही एक पॉइंट देना पड़ेगा। तो वहां पर हम क्लिक ऑप्शन यूज करते हैं, क्लिक को दबाकर हम वहां कॉर्नर पे सिलेक्शन ले लेंगे। तो मैं इसको फ्रीली जो है मूव करता हुआ नीचे की तरफ आ रहा हूँ। आप देख सकते हैं मैं कितना स्पीड से इसको सिलेक्शन करता जा रहा हूँ। जहां पर हमारे पास पॉइंट नहीं होगा वहां पे हम इसको पॉइंट दे देंगे। अब अगर हमारा सम टाइम खराब हो जाता है तो हम क्या करेंगे, बैकस्पेस या डिलीट, दोनों में से कोई भी बटन आप प्रेस करके अपने की हुई सिलेक्शन को अंडू कर सकते हैं। और कॉर्नर नीचे आने के बाद, बॉटम में आने के बाद आपने कोशिश करनी है कि बिल्कुल स्ट्रेट जाते बीच में क्लिक करना है। समटाइम होता है कि सिलेक्शन आपकी ऊपर नीचे हो जाती है, तो आप क्लिक करते जाएंगे तो सिलेक्शन आपकी इजीली आराम से एग्जैक्ट होती रहेगी। इसी तरह मैग्नेटिक लैसो टूल के कॉर्नर पे एक नीचे गोल सी एक ऑप्शन आ रही है, इसका मतलब आपका फर्स्ट पॉइंट टू एंड पॉइंट आपका अटैच हो रहा है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो हमारी ये फाइनली सिलेक्शन हमारी ग्रेप्स की पूरी मुकम्मल आ गई है हमारे पास। अगर आपको नहीं चाहिए बैकग्राउंड तो आप कंट्रोल शिफ्ट आई इन्वर्स करेंगे तो आपका बैकग्राउंड सेलेक्ट हो गया, आपकी इमेज सेलेक्ट नहीं है, आपका बैकग्राउंड सेलेक्ट हो गया। तो आप बैकस्पेस करके आप वहां से रिमूव कर सकते हैं इसका बैकग्राउंड। कंट्रोल डी करता हूं, क्रिएट अ न्यू लेयर करते हैं हम, और आल्ट बैकस्पेस। लेयर वन हमारी ऊपर है, लेयर जीरो नीचे, तो हम इसको बॉटम में करके अपनी ग्रेप्स की हम इसके ऊपर ले आते हैं। तो इस तरह हम कोई भी बैकग्राउंड के ऊपर अपनी इमेज को सेट कर सकते हैं, जहां हमें अपनी इमेज चाहिए वहां पर हम रख सकते हैं। सो गाइस, आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अगर आपको क्लियर हो गया तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।